दिल्ली से अभी इसको लेकर आए हैं। इनकी डॉग नहीं है, ये स्ट्रे डॉग ही है, लेकिन इसका डिलीवरी में प्रॉब्लम आ रहा था और बच्चा फंसा हुआ था। ये स्टोकिया केस था। कोई भी एनिमल फर्स्ट टाइम जब बर्थ देते हैं तो उनको आइडिया नहीं होता है किस तरीके से डिलीवर करना। और ये बच्चा एक तो उल्टा था इसका, उसकी वजह से इसकी गर्दन अटक गई थी हड्डी के साथ, तो इस वजह से बैक पोर्शन तो आ गया, वो क्लियर करके इसको बाहर निकाला है, लेकिन ये है डेड। अभी एक ही बच्चा निकला और हमको एटलीस्ट 30 मिनट्स का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि उतना गैप होता ही है लगभग एक एक बच्चे में। अगर नेचुरली बच्चे निकल जाते हैं तो हमको इसकी सर्जरी नहीं करनी पड़ेगी, और अगर नहीं निकल पाते हैं 2 बजे तक में तो फिर हम सर्जरी कर ही देंगे। अभी हमारे पास इस पपी को रेस्क्यू करके अभिषेक जी और उनके कुछ फ्रेंड्स यहाँ पर लेकर आए हैं। इसका एक्सीडेंट हुआ था और इसका जो फ्रंट लेग है वो पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है, चला नहीं जा रहा था, इससे वैसे पड़ा था, फिर हमने उठाया और हम डायरेक्टली इधर आ गए। ये कह रहे हो कि जी हमसे देखा नहीं गया इसलिए हम लेके आए, अगर हमें पता होता आप नहीं रखोगे तो हम तो वहीं छोड़ देते, बिल्कुल है ना। तो ये तो वो वाली बात है कि हमने तो गलती कर ली कि हमने क्लिनिक खोला, आपसे एक नहीं से मल रहा हम साथ में, ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात का ये थोड़ा है मतलब कि किसने शुरू किया तो सारी उसी के सर पे आ जाए, बहुत अच्छी बात है। तो आपको भी चाहिए ना कि थोड़ी हेल्प करो, आप ले आए बहुत बड़ी अच्छी बात है। नेक्स्ट स्टेप है कि भाई उसको अडॉप्ट भी करा दो, हम तो कह रहे हैं जितनी अगर हो सकती जितनी कोशिश तो जरूर, ऐसी बात नहीं है। आपने तो पहले हथियार डाल दिया यार। नहीं नहीं नहीं, हथियार ऐसी बात है ही नहीं होता ऐसा तो हम आते नहीं इसके लिए हमें एम्पुटेशन सर्जरी ही करनी पड़ेगी। 1-2 दिन में इसका ब्लड टेस्ट और सर्जरी शेड्यूल कर देंगे हम, फिर बाकी का ट्रीटमेंट आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग बम्पी और सहारा को शाहपुर भेज रहे हैं। बम्पी का तो आज प्लास्टर ओपन करना था 45 डेज के बाद, जो आज कम्प्लीट हुआ है, चेक कर लेंगे कि इसकी बोन जुड़ी है या नहीं। सहारा का जो सर्जरी हुआ था हर्निया का, सर्जरी 2 बार हुई थी, सेकेंड टाइम में हमने मेश लगाया था, सूचर हीलिंग के बाद मेश को रिमूव किया जाता है, वो भी हमने किया था, लेकिन फिर भी अभी तक थोड़ी थोड़ी पस आ ही रही है और अभी स्वेलिंग भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है, तो हम एक बार प्रॉपर चेकअप के लिए उसे शाहपुर भेज रहे हैं। सुबह जो हमारे पास केस आया था हमने इसको समय दिया कि ये शायद नेचुरली डिलीवर कर दे, लेकिन इतने देर के इंतज़ार के बाद भी ये प्रेशर लगाने के बावजूद भी डिलीवर नहीं कर पा रही थी, तो अब फाइनली हम इसका सिजेरियन के थ्रू डिलीवरी कराएंगे। हमारे पास 1 3-legged पप और होगा अभी, जो उस दिन 32 मील से जो लेके आए थे, ये एम्पुटेशन सर्जरी आज कर रहे हैं। मुझे लगा आप काइंड ऑफ उसमें चले गए हो फ्यूचर प्रेडिक्शन वाले उसमें कि हमारे पास 1 3-legged पप्पी है तो वो 3-legged हो जाएगा, तो अभी सैड है। तो आपको 3-legged पप्पीज जो है उनको अडॉप्ट कराने में ज्यादा दिक्कत होती है? हाँ जी, दिक्कत तो आती है, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता ना, लोग तो फीमेल डॉग है या इस कलर की नहीं है बोल के अडॉप्ट नहीं करते हैं, तो फिर 3-legged होने से भी उनको ऐसा जाता है कि ये डिफॉर्म्ड है ऐसे, हाँ लेस है थोड़ा, ऐसे हो जाता है। पर्सनली मुझे तो इट्स लाइक मोर, मैं ये नहीं कहूँगा कि हाँ 3 होनी चाहिए, लेग्स 4 की जाए एक हटा दो, पर एक कैरेक्टर है, एक तो आप देखते हो कभी संजय दत्त जैसे जैसे लंगड़ा के चल रहा था किसी फिल्म में, आई डोंट नो, दैट्स अ लिटिल बिट मोर अट्रैक्टिव, और वो डायरेक्टर ने वो डाला है, इसीलिए डाला ना, बिकॉज इट्स अ कैरेक्टर थिंग, आई डोंट नो, मुझे नहीं लगता लोग समझते हैं डॉग्स की पर्सनालिटी, सारे लोग नहीं समझते। ओह यार, गुड न्यूज़, सुबह तो हमने एक बच्चा निकाल दिया था जो कि ऑलरेडी डेड था क्योंकि वो फंसा हुआ था, अभी जब हमने इसकी सर्जरी की है तो एक बच्चा डेड निकला है और एक बच्चा अलाइव है, लेकिन थोड़ा अभी क्रिटिकल कंडीशन में है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये बच जाए। एक आउट पेशेंट आया था, हाँ जी, वो लेके आया था डॉग, हमारे को सस्पेक्टेड था लीच होगी, सृष्टि शूट भी करने गई जी जी, फिर उन्होंने कहा लीच नहीं है ट्यूमर है जी, हमने ये नहीं कहा था कि ट्यूमर है, हमने कहा था कि लीच निकल नहीं रही, ऑलरेडी उसका इतना ब्लड निकल रहा था, और उन्होंने बताया कि लास्ट 4 मंथ से कंटिन्यूस ऐसे हो रहा है कि कोई कोई दिन में ब्लड निकलने लगता है, तो अब उस टाइम पे अगर हम और उसको छेड़ते हैं तो ब्लड ज़्यादा और निकलता, हमने बोला बेस्ट है कि आप एक्सरे करा लो, उससे जो भी होगा वो पता चल जाएगा, लीच होगी तो पता चल जाएगा अगर अंदर कोई ट्यूमर होगा या कोई टूटा होगा कुछ, क्योंकि कई बार चोट लगने से भी ऐसा होता है, तब हमने उनको बोला कि आप एक्सरे करा लो। साहिल, आपकी बात हुई थी ना डॉक्टर अरविंद से, तो वहाँ डॉक्टर अरविंद ने निकालने की कोशिश करी, उसके बाद हुआ था ये पहले? अच्छा, उन्होंने हमें बताया नहीं कि लीच छूटी है उनके हाथ से, तो जब हमने पानी दिया तो लीच बाहर आई नहीं, बहुत ज्यादा ब्लड लग रहा है। और तू आजकल अपना टाइम कैसे स्पेंड कर रहा है? ये साहिल्स ग्रूमिंग सैलून किस खुशी में किया है? गर्मी
आज चुन चुन रिलीज हो रहा है जिसकी आई सर्जरी हुई थी, इसको हमने शाहपुर से रेस्क्यू किया था और सूचर्स आज ओपन कर दिए हैं और ये अच्छे से हील हो चुके हैं, तो हम इसको वापस से अडॉप्ट करने जा रहे हैं क्योंकि जो उसके केयर टेकर्स हैं उन्होंने कहा था कि ट्रीटमेंट के बाद वो इसे अडॉप्ट कर लेंगे। हमने भोला को भी यहाँ शिफ्ट कर दिया ना, कल उसकी बात भी करवा दी हमने डीप क्लीनिंग के साथ साथ। उसकी बात करवा दी डीप क्लीनिंग के साथ साथ, मतलब हम लोग उस तरफ में हमारा साथ करवा दी उसकी बात करवा दी हमारे यहाँ तो कोई किससे बात करवा दी आपने बोला था ना, तो स्पा वाला फील होना चाहिए अच्छे से। तो इसको हम गर्मियों में कैसे ठंडा रखेंगे, हमारे पास कोई वो तो है नहीं जिसमें ये एक्चुअली वी हैव अ पूल, वहाँ जा सकता है ये जो छोटा सा पूल है इसमें भोला कैन भी स्नेक, किसने कह दिया तो स्नेक तो पूरे फार्म में घूमते हैं वो तो, मतलब वाटर स्नेक जो है यहाँ पे वो ऐसे ही पॉइजनस नहीं है ना, जो आपका रेगुलर जो आपके क्रेट घूमते हैं, आपके कोबरे घूमते हैं और एक और है वाइपर, ये तीन है पॉइजनस। मैंने जितने देखे हैं मैंने डेंजरस वाले देखे थे। ठीक है भोला को लेकिन रस्सी पे रहेगा जब तक ये यहाँ से, ये मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ से हटाने का ही कारण ये था कि मारता है दूसरे जानवरों को ना, और छोटे जानवर भी हमारे पास है ना जैसे दुलारी है अष्टमी है, और गलती से कोई इधर उधर है यहाँ कोई प्रेजेंट नहीं उस टाइम पे, कुछ ऐसा ना हो जाए इसलिए एक बार इसकी दोस्ती हो जाए ना थोड़ा वॉलेंटियर से, फिर इसको हम पीछे शिफ्ट कर देंगे एंड देन वी विल आस्क वन वॉलेंटियर कि इसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है कि ये इंटीग्रेट हो जाए। मे बी इसको डिफरेंट लगता है कि वो सारे गाय बैल हैं और ये भैंस है, आई मीन लोग भी तो फर्क करते हैं क्योंकि जैसे गऊ माता है लेकिन भैंसें कटती हैं तो भैंसों का तो कोई नहीं होता भैया, इंडिया बीफ का लाइक टॉप का एक्सपोर्टर है, चमड़े का भी वो लगा हुआ कारखाना कितने हजार करोड़ का आपके उत्तर प्रदेश में, पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं। बाय द वे गरिमा वही हैं जिन्होंने देहरादून में वो जो लड़के जबरन शराब पिला रहे थे कुत्तों को उनके अगेंस्ट सारी कार्रवाई करिए, FIR कराइए। हम लोगों का रेस्क्यू शेल्टर है देहरादून में, अपना साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ हम ये चीज़ें भी चलाते हैं साथ में। वो कुछ कहते नहीं कि तुम पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान लगाओ ये सारा दिन क्या, जब जैसे लोग कॉल करके या मतलब बोलते हैं कि आपका बेटा या आपकी बेटी बहुत अच्छा काम कर रही है, अप्रिसिएशन एक जो रिस्पेक्ट मिलती है इस काम को करने की वजह से, उस वजह से थोड़ा घर वाले सपोर्टिव हमारी तरफ हो जाते हैं। रिकॉग्निशन से फ़र्क तो पड़ता है बिकॉज ऐसे है ना कि भाई हमारे समाज में तो वही है ना, उनका नाम आता है जिन्होंने भी बड़ा पैसा कमा लिया, एक्टिंग कर ली, क्रिकेट अच्छा खेल लिया, तो जब तक ये सोशल वर्क वालों को समाज से अप्रिसिएशन नहीं मिलेगी, पेरेंट्स तो चाहेंगे ना भाई उस दूसरी सक्सेस वाले रास्ते पे जाओ। इस पब को खनियारा से चंदन लेकर आए थे, इसके सामने वाले पैर में रिकेट्स का इशू है जो कि कैल्शियम की कमी की वजह से होता है, जिसके लिए हम आज इसका स्प्लिंट करने वाले हैं। आप लोगों की क्या पॉलिसी रहती है, जैसे जो कुत्ते यहाँ पे आते हैं तो आपका स्टे नहीं अच्छा लग रहा, रात रात चिल्लाते हैं मुझे जगा के रखते हैं, उन लोगों की क्या पॉलिसी, आप उनको चेकआउट करने देते हैं अपनी मर्जी से या क्या करते हो? जब तक जरूरत है उसको जब तक कंप्लीट उस स्टेज तक का हीलिंग नहीं हो जाता कि बाहर कोई जाके प्रॉब्लम ना हो तब तक हम रखते हैं गेस्ट्स को उनकी मर्जी के विरुद्ध। सी दैट्स इट, लाइक जानवरों और इंसानों में ना ये फर्क है, लोगों को लगता है अरे कुत्ता मेरे घर के आके गंदा कर गया, इसने काट लिया, भाई उसकी इंटेंट नहीं है, उसको अपने भले का बुरे का नहीं पता, वो गाड़ियाँ नहीं समझता, वो फ्लैट्स नहीं समझता, वो क्लिनलीनेस आपकी तरह नहीं समझता, इस लाइक एक छोटा बच्चा जो दिमागी रूप से कमज़ोर है, तो हमें भाई अगर जैसे कोई छोटा बच्चा ऐसा आके हमारे घर के बाहर कुछ कर जाए उसको मारने पीटने थोड़ा लग जाएंगे यार, तो फिर वही व्यवहार जानवरों के साथ क्यों करना। जो दो पपीज़ हैं वो लोगों को पता होना ज़रूरी है कि जब हमारे पास ऐसे न्यू बॉर्न पपीज़ हैं तो ये जो प्रॉब्लम आती है कि वो एक दूसरे को सख्त करना शुरू कर देते हैं, आप बता सकते हो एक बार? एंड अब जैसे हम लोगों को तो एक साथ रहने की आदत रहती है और यूजुअली उनकी मदर उनके पास होती है, अब जब मदर नहीं है तो वो एक दूसरे को ही सख्त करना शुरू कर देते हैं और उससे क्या रेडनेस हो जाती है उस एरिया में और वहाँ पर इन्फेक्शन भी होने का चांस है और रैशेज हो जाते हैं, और मतलब वो क्योंकि पपीज़ कंटिन्यूसली क्राई कर रहे थे शुरू में, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैंने फीड कर दिया है, मैं बाहर निकाल रही हूँ, मैं सब कुछ कर रही हूँ, हीट का ध्यान रख रही हूँ, फिर भी ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है कि वो कंटिन्यूस रो रहे हैं। तो मैंने चेक किया प्रॉपर बॉडी में, तब फिर मुझे समझ में आया कि यहाँ तो रेडनेस है और फिर वो रेडनेस क्यों है। तो अभी तो मैंने उनको दो अलग अलग केजेस में रख दिया है, उसके अलावा तो केज मतलब साथ साथ हैं, एक दूसरे को टच कर सकते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं, बट कांट एक दूसरे को हरेस नहीं कर सकते। ठीक है,
तो अगर आपको न्यू बॉर्न पपीज मिलते हैं तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। बम्पी और सहारा को जो हमने शाहपुर भेजा था वो लोग अभी लौट गए हैं। बम्पी का प्लास्टर भी ओपन हो चुका है और गुड न्यूज है कि वो अच्छी तरीके से हील हो गया है। अभी हम इसको एक हफ्ते का रेस्ट देंगे, थोड़ा मूवमेंट वापस आ जाए ठीक से और जो घाव हैं थोड़े बहुत छीलने के वो भर जाए, उसके बाद हम इसको रिलीज कर सकते हैं। जो है छोटू उसका तो नाम नहीं रखा ना हमने? नहीं अभी तक तो नहीं रखा। है ठीक वो? हाँ सर अभी वो ठीक है। बाहर उसको धूप में तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन कैनल में ओपन रहती है ना उस टाइम, तो उसने हमने सोचा खराब कर लिया। आपने बाइट नॉट तो उसको बांधा होगा? बाइट नॉट लगाया था सर, डिपेंड करता है ना डॉग के बिहेवियर पे। अब ये बच्चा भी है साथ में तो वो भी वहाँ पे अगर फीड कर रहा है तो उस टाइम पे वो लोग को इरिटेशन भी होती है थोड़ी, वो भी एक कारण हो सकता है। लेकिन लिक करते भी हैं ये लोग, हमने सोचा था ये थोड़ा कर रही थी पहले भी, हमने सोचा था कौन पहना देंगे, लेकिन ये फिर अपने बच्चे को लिख नहीं कर पाती ना तो उसको खाना देने के अलावा पूप कराने के लिए आपको भी वेट कॉटन से उसको पीछे ऐसे ऐसे हल्का रब करना होगा। यूट्यूब पे आपको इसका वीडियो मिल जाएगा। मेरे पास पपीज थे दोनों। हाँ मुझे पता लगा वो तो नहीं, उनका चांस कम था, देवर रंट ना जो वीक होते हैं। हाँ लिटर में भी 15 बेबीज है। हाँ ये मुझे गुरु ने बताया कि 15 बच्चे थे, 7 पहले ही खत्म हो गए थे, 8 में से 2 हमारे पास, 6 उनके पास है। और जो 8 में भी वो सबसे छोटे जो थे वो हमने रखे थे यहाँ पे। मदर का मिल्क ऑलरेडी इन्फेक्टेड था, तो जब तक मदर थी हमारे पास हम तब भी उसको फीड नहीं करा पा रहे थे, तो मैंने अपने पास रखा हुआ था। लेकिन वही सेम सिचुएशन जो हमेशा होती है, वो ब्रीदिंग इशूज उनको होने लगते हैं, एक तरीके का इन्फेक्शन है। मैंने इस बारे में बात की थी तो नहीं बच पाए वो भी। डॉक्टर हिमांशु अभी भी आउट ऑफ कमीशन है, मैंने फोन किया था उन्हें सुबह तो उनकी तबीयत वर्स लग रही है। जी मैंने उनसे कल ही बात की थी, उन्होंने बोला कि अभी 5 दिन का उनका एक मेडिसिन का कोर्स कंप्लीट हो जाए, वो दूसरा जो उनको दिखवाना है एक बार फिर से वो करा के फिर वो लौटेंगे। तो तुम लोग कैसे मैनेज कर रहे हो? एक डॉक्टर गुलशन बस डॉक्टर गुलशन, हम कोशिश यही करते हैं कि यहाँ का जो रेगुलर ट्रीटमेंट है वो बोर्ड के हिसाब से तो चलता है, कोई भी डाउट होता है ऊंच नीच होती है तब हम डॉक्टर गुलशन को डिस्टर्ब करते हैं, अदरवाइज राधा भी और सारे लीड कर लेते हैं ट्रीटमेंट्स में अलग अलग। और आउट पेशेंट हैं अभी तो इसलिए डॉक्टर गुलशन मोस्टली पीछे के हिस्से में। हमने हेल्पलाइन भी बंद करी, हम एक और डॉक्टर करें क्या हायर जस्ट इन केस? कर सकते हैं तो अच्छी बात है, बस मैं अभी जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग एक पर्सन और हायर करने के लिए नहीं बोल रही थी। मुझे पता नहीं लगता कि जैसे डॉक्टर हिमांशु है, आई मीन डॉक्टर गुलशन का बर्डन बढ़ गया, फिर वीकेंड है छुट्टी, उन्हें कोई प्रॉब्लम पड़ जाती है। हाँ और अगर एक डॉक्टर और हम फंस जाएंगे तो हमारे पास ये चीज़ रहेगी कि आउट पेशेंट जिस हिसाब से हमारे बर्ड है और दूसरा ट्रीट ऑन स्ट्रीट है और तीसरा यहाँ सर्जरी में डिले नहीं होंगी ना। जी ठीक है, तो अगर आप लोग में से कोई वेट हैं और हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल करिए namaste@peoplefarm.org पे, आप saloni@peoplefarm.org को CCB कर सकते हैं। ये पपी जो है हमारे पास आई है कांगड़ा से, उसकी पिछली टांगों में कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वेट नहीं ले पा रही और घसीट के चल रही थी। अभी उसके नर्व डैमेज के लिए हम उसे मेडिकेशन दे रहे हैं, ये थोड़ी सी डरी हुई है और इसे हमने आइसोलेट भी करके रखा हुआ है, क्योंकि जहां से हम उसे लाए थे वहां पे 10-12 पपीज और भी थे उसी की उम्र के, हो सकता है कि उसमें कोई इन्फेक्शन भी हो जो हम नहीं चाहते कि हमारे दूसरे पेशेंट्स में पास ऑन हो जाए, इसलिए हम उसे क्लिनिक के बाहर एक केज में अलग से रख रहे हैं और यही पे उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। जल्द ही वो ठीक भी हो जाएगी और हम उसे फिर से बाहर रिलीज कर देंगे। एक आप मुझे कल ये बता रहे थे जो बात रह गई थी कि वो पारवा कैसे लाए जा रहे हैं हम क्लीनिंग हर केस के। तो हमारे पास अभी एक भी डॉग ऐसा नहीं है जिसको पारवो हो। हाँ। लेकिन बाहर इतने ज्यादा केस आ रहे हैं, लाइक दिन में 3 तो मिनिमम केसेस आ रहे हैं जिसमें से 2 तो नए होते हैं हमारे, है ना। अब हम लोग मना भी करते जा रहे हैं क्योंकि हमारा है ही नहीं पॉलिसी यहाँ पे भी अगर देखना है, लेकिन लोग क्या करते हैं ना, लेके आते हैं सीधा डॉग को गेट के बाहर खड़े कर देते हैं ना, और उसके बाद वो लोग वहीं पे पॉटी वगैरह करे, और इनका पारवो सबसे ज़्यादा यूरिन और पॉटी से ही फैलता है ना वॉमिट से, तो वो इशू हो रहा है। हम लोग दिन भर में भी अगर 3 बार भी ब्लीच करें तो बार बार बाहर जाके ब्लीच करना हमारा अभी आउटपेशेंट बहुत हो गया है, और फिर अंदर आना वैसे ही तो या तो मैं एक पर्सन अलग से सिर्फ बाहर खड़े कर दो ऐसे हो जाए। बाहर तो नहीं खड़े कर सकते बट डेडिकेट कर दो कि रवि भैया कह दो कि कोई ऐसा केस आता है तो इसी को ही डायरेक्टली फोन करे। हाँ टेम्परेरीली जाते हैं गुड सॉल्यूशन।
चीज़ और थी, मतलब ये तो कि जैसे संडे है तो कोई ना कोई डॉक्टर मिलता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट होता है, इसीलिए हम लोग तो संडे हमारे तो डॉक्टर साहब आते हैं, हमारे तो आते हैं, हमारे यहाँ तो रेगुलर है ही, ट्रीटमेंट भी ज़रूरी है, हमको पता है, दिख रहा है कि कंडीशन बहुत ख़राब है, लेकिन हमको ये भी सोचना है कि यहाँ जो हमने इतने सारे हैं हमारे पपी, उनको कैसे सेव करें, या फिर बाहर भी कैसे ट्रीटमेंट, क्योंकि प्रिकॉशन आप कितने भी ले लो वो फैलेगा ही ना, ये रिस्क लेना पड़ेगा, वो ये जब हॉस्पिटल में हम थोड़ा बहुत इसको जब बन जाएगा तो मिटिगेटेड रहना कि मतलब वो थोड़े एरिया सेपरेटेड है आउट पेशेंट, और वो जो जगह का दिक्कत होता है ना, हम चाहते हैं थोड़ा प्रॉपर स्पेस मिले, सम शेर ने इसको मारा ना अंदर में, होते हैं सब ना, देखो ये आँख पे मारा है, आँख तो बच गई लेकिन हाँ पेन तो काफ़ी होगा, अब यही है हाँ, ये जगह की कमी की वजह से है कि भाई अब ये सब प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि इस समय ये जो बड़े गाय बैल आते हैं ये दो दो की जगह लेते हैं। इस कैट को हमने परेई से रेस्क्यू किया था जिसको पैरालिसिस था, क्योंकि एक्सीडेंट की वजह से उसके पिछले हिस्से में चोट लगी थी, वो यूरिन पास नहीं कर पा रही थी एंड वो स्मेल इतनी स्ट्रांग थी, हमने जब ब्लैडर खाली किया तब हमने देखा, डायग्नोस किया तब यूटीआई का पता चला, इस वजह से हमें उसे यूथेनाइज करना पड़ा, क्योंकि पैरालिसिस के साथ साथ उसको यूटीआई की सफरिंग बहुत एक्सट्रीम लेवल पे पेनफुल हो जाती, और पैरालिसिस के ट्रीटमेंट को एक बहुत लंबा समय चलता है, और उसके साथ साथ यूटीआई को ट्रीट करना थोड़ा डिफिकल्ट था, और कैट के लिए सफरिंग बढ़ती जा रही थी। पिंकी को रिकेट्स की दिक्कत थी, उसका एक पैर अफेक्टेड था स्टार्टिंग में, धीरे धीरे दूसरे पैर में भी ज़्यादा स्ट्रेस पड़ने की वजह से दूसरे पैर के जॉइंट्स भी अफेक्ट होने लगे, अभी हाल ही में उसका स्प्रिंट ओपन किया है और साथ ही साथ में उसका शोल्डर जॉइंट भी अफेक्ट हो रहा है, तो अभी हमने डिसाइड किया है कि हम उसकी आरजे बैंडेजिंग करेंगे जिससे उसका पूरा कंप्लीट पैर स्टेबल रहे, और 15 दिन के बाद हम उसको फिर से रीचेक करेंगे। ये कौन है डॉक्टर गुलशन? नाम तो मेरे को भी पता नहीं है, लेकिन चुटकी नाम नहीं, डॉक्टर गुलशन को कंडीशन पता होती है सारी। हाँ कोशिश ही सारी, तो गए थे इसे लाने के लिए गग्गल से शाम को आफ्टर, तो इनसे बात कर रहे थे, लेकिन वो हाथ वाला डॉग, वो पैर वाला डॉग, वो डॉग जिसका नाखून निकला हुआ है, वही वही है सर, काफी रिलैक्स्ड है। आप अडॉप्ट कर रहे हो इसको? ठीक है, ये रिकवर तो अच्छा हुआ यार। हाँ काफी अच्छा, और आने के एक दो दिन बाद हमने सर्जरी कर दी थी, एक भी बार कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आई ना इसने कुछ गड़बड़ की। जब हम यहाँ पे आए थे बेड पे हाथ भी लगाने को तैयार नहीं होता, आने में सूट है आप पकड़ो हमारे, तो सफेद कपड़े गंदे हो जाएंगे यार। मुझे पालनपुर जाना है टॉक देने, कुछ ऐसा जो मुझे नहीं बोलना चाहिए, बहुत सारे बेड्स होंगे। अच्छा कॉलेज में पालनपुर का फैकल्टी क्लब है, तो वहाँ पे डॉक्टर दिनेश ने मुझे इनवाइट किया है कि भाई मैं शेयर करूं कि मेरी क्या जर्नी रही, मैं क्या करता था, क्या कर रहे हैं अब हम लोग पीपल फार्म में, और ये ट्रांजिशन क्यों हुआ, तो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग, लेट्स सी। तुषी जो हमारे पास कांगड़ा से रेस्क्यू होकर आई थी वो फाइनली अडॉप्ट हो गई है, शिवम जी जो शाहपुर से है वो यहाँ पे एक पपी अडॉप्ट करने के लिए आए थे और उन्होंने सुशी को पसंद किया और सुशी फाइनली अडॉप्ट हो गई है। एक कल मेनका गांधी मैम का फोन आया था, वो कह रही थी कि आप एंटी रेबीज कैंप ऑर्गेनाइज कर दो, भाई लोग अपने जो पशु हैं वो ले आ सकें तो गाँव वाले, पर उसके लिए ये है कि आप पहले तो डॉक्टर गुलशन को कहना, डॉक्टर रजनीश बड़ोल से बात करें जो इस एरिया को देखते हैं, और उन्हें कहें कि भाई आप हमें, हम भी कैंप लगाना चाहते हैं, आप हमें ARV प्रोवाइड कब करा सकते हैं, तो हम बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिल के करना चाहेंगे। और कल वो जो हमने एक डॉग रिलीज किया है, मेरे को उसका नाम नहीं याद, जो काले वाला था सोडा, जो ऐसे थोड़े हाँ। चलने के बाद रुक जाता था हाँ। गिर जाता था, उसका हमने डेली फॉलोअप करना है। हाँ जी करना ही है, मेरी बात हो गई है उनके जो कॉलर थी उनसे, हमने उनको प्रॉपरली बता दिया है कि इसकी डाइट अच्छी रखें, उसको और किसी उसकी ज़रूरत नहीं है, डाइट अच्छी होगी, एक नर्व टॉनिक भी हमने भेज दिया, अगर वो उसको जाएगा साथ में तो वो बिल्कुल फुल टाइम में दौड़ने लगेगा आराम से। कौन सा नर्व टॉनिक है? न्यूरोकाइन। आपको बताया मैंने उसको शाहपुर भेजा था ना परसों, मुझे कहाँ से बता दिया, तो उन्होंने बोला कि इसको फिर से एक सर्जरी की ज़रूरत है, क्योंकि हर्निया वो ऐसे हिस्से में जहाँ पे प्रेशर की वजह से वो बार बार इशू आ रहा है ना, कि मेश एक तो जो लगी थी वो बहुत छोटी थी, इसको लगेगी बड़ी मेश इस बार, और उन्होंने एक महीने बाद का टाइमिंग दिया है, क्योंकि अभी ऑलरेडी सारा रेगुलर उनका सर्जरी बुक है, पहले से शेड्यूल्ड है, तो एक महीने बाद इसकी सर्जरी होगी, और कॉम्प्लिकेशन रहेंगे चांसेस मतलब 50-50% चिंगारी का, क्योंकि तीसरी बार उसी हिस्से में सर्जरी हो रही है और हर्निया काफ़ी ज़्यादा बड़ा है इसका। सॉरी गर्ल, तुम्हें लगता है कि बॉस होना और लीडर होना
दो अलग चीजें हैं, लाइक बॉस मैनेज करता है और लीडर इंस्पायर करता है. आई थिंक लाइक दीज आर टू डिफरेंट स्किल्स. या तुम्हें क्या लगता है, आई मीन बिकॉज तुम खुद एक मैनेजमेंट पोजीशन में हो, तुम्हारा स्टाफ तुम्हें देखता है ना, क्वालिटी नहीं होगी तो फिर वर्क ही नहीं करेगा आगे. मतलब वो जो जो भी वो कर रहा होगा वो आगे तक ठीक से नहीं जाएगा मेरे हिसाब से. कोई भी काम हो उसमें मेरे ख्याल से लीडरशिप क्वालिटी उसको आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है. तो हमारे यहाँ से जैसे लोग हैं जैसे जाते हैं भाई, जैसे जो तो निजी कारणों से ना उसकी मेरी अनबन थी, पर अब जैसे कुछ और लोग जा रहे हैं ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जिसको भाई मुझे नहीं लगता कि कुछ भी ऐसा है जो हम फिक्स कर सकते हैं. तो तुम्हें लगता है कि अगर मैं एक बेटर लीडर होता तो आई वुड हैव ब्रॉट मोर थिंग्स टू द टेबल कि नो मैटर व्हाट लोग टिकते हैं, या तुम्हें लगता है कि क्योंकि यंग है लोग तो वो एट्रिशन रहेगा? थोड़ा हमारा क्राउड भी यहाँ पे वर्किंग पीपल भी हाँ वो वैसे हैं, और दूसरा कुछ चीज़ें हैं ठीक है अलग होती. तो ठीक, मैं तुमसे ऑफ कैमरा मैं ज्योति से पूछूंगा, अगर ऐसा हुआ कि मैं विदाउट एम्बैरेसमेंट शेयर कर सकता हूँ तो मैं करूँगा. ज्योति मुझसे बहुत ज़्यादा खुल के तो बात नहीं कर पाई, पर जितना मुझे समझ में आया वो ये कि भाई चाहे मैं अपनी टीम के साथ जितना मर्जी फ्रेंडली हूँ, अपने ओहदे की वजह से जो मैं करूँगा, जो मैं कहूँगा, जैसे मैं कहूँगा, उसको एक हायर स्टैंडर्ड पे और ज़्यादा बारीकी से इवैल्यूएट किया जाएगा. और अगर किसी को कुछ बुरा लगता है तो अगेन मेरे ओहदे की वजह से शायद वो मुझे बता भी ना पाए. तो क्योंकि मैं डिमांडिंग हूँ, आई थिंक मुझे अपने कंडक्ट के बारे में और ज़्यादा माइंडफुल होना होगा. तो खैर, लिव एंड लर्न.